थाना सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी बाबा कोल सुल्तानपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ उन्हीं की अनुयायी भक्त ने 30/12/2021 को थाना सुल्तानपुर में बाबा सुजीत राय उर्फ सुरेंद्र राय के खिलाफ बलात्कार का मामला पंजीकृत करवाया है। तभी से बाबा फरार था और भेष बदल बदल कर ठिकाने बदलता रहता, जिसकी पुलिस को जोरों से तलाश थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 20 मार्च 2023 को SDOP बाड़ी अमृत मेशराम के नेतृत्व में थाना प्रभारी रंजीत सराठे के साथ टीम गठित कर ग्राम इमलिया में आरोपी के घर पर दबिश दी, जहां पर बाबा पकड़ा गया है। पुलिस द्वारा विधिवत कार्यवाही के बाद आज बलात्कार के आरोपी बाबा को माननीय न्यायालय पेश किया है। विगत कई वर्षों से सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया में सुजीत राय उर्फ सुरेंद्र राय बाबा अपने आश्रम में लोगों की झाड़फूंक करता था। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण लोग अंधविश्वास पर बहुत आस्था रखते थे। इसी के चलते बाबा अपने आश्रम पर आने वाली अपनी अनुयायियों चमत्कार दिखाकर अपने वश में कर लेता था, जिसके चलते अनुसूचित जनजाति की अनुयायी महिला इसका शिकार हो गई और उसकी फरियादिया महिला का शारीरिक शोषण हो गया। महिला ने बाबा के खिलाफ थाना सुल्तानपुर में 30 मार्च 2021 को बलात्कार का मामला पंजीकृत करवाया था, जिसके अंतर्गत अपराध क्रमांक 310/2021 धारा 343, 376, 506 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया, SC/ST एक्ट का इजाफा किया है। रायसेन जिला ब्यूरो मदन वर्मा की रिपोर्ट। बाबा सर कार्रवाई की गई है सर, पकड़े गए हैं, क्या मामला है सर? थाना सुल्तानपुर क्षेत्र अंतर्गत 30/12/2021 को प्रकरण में फरियादिया के द्वारा आरोपी सुजीत राय कथित तौर पर बाबा के विरुद्ध थाना करके रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रकरण में भारतीय दंड विधान की धारा 343, 376 और SC/ST एक्ट की उचित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायसेन श्री विकास सहवाल सर के कुशल निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमृत मीणा सर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुल्तानपुर के साथ टीम गठित की गई थी। पृथक पृथक टीम गठित करके गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। घटना दिनांक से ही आरोपी सुजीत राय और बाबा फरार था और उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनाम की उद्घोषणा भी की गई थी। कल मुखबिर के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि उक्त होलिये का व्यक्ति ग्राम इमलिया में दिखाई दिया है। थाना प्रभारी सुल्तानपुर के साथ पृथक पृथक टीम गठित कर ग्राम इमलिया में घर के आसपास घेराबंदी की गई तथा उक्त आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुजीत राय ग्राम इमलिया का होना बताया और यह व्यक्ति अलग अलग होलिया बदलकर जबलपुर और आसपास अन्य क्षेत्रों में रह रहा था। तब से ही पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास कर रही थी, जो सफलता पुलिस को कल दिनांक 20 तारीख को रात्रि 11 बजे करीब मिली। सर इसके अलावा और भी कहीं के कुछ मामले हैं क्या? अभी तक ऐसा संज्ञान में कुछ नहीं आया है। विधिवत गिरफ्तारी की गई है और माननीय न्यायालय आरोपी को पेश किया जाएगा।